वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। आपको पता है कि टेरिडोफाइट्स को हम छोटे छोटे लेक्चर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। और आपको पता ही है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ना सिर्फ आपके BSc और MSc में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं, जिनको हम प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं, या फिर फर्स्ट लैंड प्लांट के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ये कनेक्टिंग लिंक भी हैं सीड बियरिंग और नॉन सीड बियरिंग प्लांट में, क्योंकि आपको पता है कि सीड फॉर्मेशन का स्टार्ट जो है वो भी हमें टेरिडोफाइट्स में ही देखने को मिलता है। तो फाइलोजेनेटिकली जितनी इम्पोर्टेंस है टेरिडोफाइट्स की, उतनी ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि आज भी ह्यूमन लाइफ को ये अलग अलग तरीके से हेल्प कर रहा है। तो आइए हम लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंस को लिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उन प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं जो ह्यूमन काइंड्स के लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे उन टेरिडोफाइट्स की जिनको फूड की तरह यूज़ किया जाता है। आपको पता है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में इसे ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है फूड की तरह। खुद इंडिया में डाइप्लेजियम नेफ्रोलेपिस हेलीमेंथोस्टैकी स्टेनोक्लेना और भी बहुत सारे टेरिडोफाइट्स को लीफी वेजिटेबल्स की तरह कुक किया जा रहा है। हमारी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश में धे की शाक के नाम से एम्पीलोप्टेरिस भी लीफी वेजिटेबल की तरह यूज़ किए जा रहे हैं, और ये एम्पीलोप्टेरिस हमारे इंडिया में के भी बहुत सारे पार्ट्स में यूज़ किए जा रहे हैं एज अ लीफी वेजिटेबल, यानी कि इनकी लीव्स को वेजिटेबल्स की तरह कुक किया जाता है और सर्व किया जाता है। इसी तरह मेट्यूशिया के यंग रोजियर्स को USA और कनाडा में यूज़ किया जा रहा है। मार्सीलिया की लीफ, जिसे कॉमनली सुशीनी भी कहा जाता है, वो भी एक लीफी वेजिटेबल की तरह है। और आपको पता है कि मार्सीलिया के स्पोरोकार्प स्टार्च में रिच होते हैं, इसीलिए इसे ऑस्ट्रेलिया की एक डेलिकेसी नार्डो के रूप में यूज़ किया जाता है। अगर हम टेरिस के राइजोम की बात करें तो ये भी स्टार्च का रिच सोर्स है। सिर्फ फूड की तरह ही नहीं, लेकिन फॉडर की तरह भी टेरिडोफाइट्स को यूज़ किया जाता है। फॉडर मतलब जो हम लोग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को फूड देते हैं, यानी कि चारा। तो चारे की तरह आपको पता ही है कि बहुत सारे फार्म्स में, मोस्टली पोल्ट्री फार्म्स में जहाँ पर चिकन और डक्स को पाला जाता है, वहाँ पर एजोला पिनाटा उनकी फ्रेश और ड्राई लीव्स को एज अ फॉडर यूज़ किया जाता है। आइसोटीज को पिक्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है एज अ फॉडर, जबकि मार्सीलिया और भी बहुत सारे फर्न्स हैं जिनकी लीव्स को फ्रेश और ड्राई फॉर्म में डिफरेंट एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है एज अ फूड एंड फॉडर। के अलावा टेरिडोफाइट्स की मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी है। जैसा आपको पता ही है कि एंशियंट इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ था। आयुर्वेदा के साहित्य में जैसा कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में, इसमें तो इनका जिक्र किया ही गया है। जैसे आपको पता है कि एक्टिनोप्टेरिस को मयूर शिखा और एडियंटम की बहुत सारी स्पीसीज को हंसपदी के नाम से, जबकि सेलाजनेला को संजीवनी बूटी के नाम से वहाँ पर उल्लेख किया गया है। संजीवनी बूटी, जी हाँ, ये वही है संजीवनी बूटी जिसे हनुमान जी रामायण में लेकर आते हैं लक्ष्मण के लिए, और जैसा इसका नाम है यानी कि ये दोबारा जीवन दे सकती है, जैसा कि हम रामायण में देख ही चुके हैं। ना सिर्फ एंशियंट इंडिया की अगर हम बात करें, बल्कि आज भी बहुत सारे टेरिडोफाइट्स हैं जिनको यूटिलाइज किया जा रहा है एज अ मेडिसिन, जैसे कि लाइकोपोडियम को हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन में देखते हैं, और इसके फाइन पाउडर्स चूँकि वो वाटर रेपेलेंट होते हैं तो इनको ऑइंटमेंट्स और जेल बनाने के लिए, क्रीम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो इनके फोलिएज होते हैं यानी कि लीव्स, फ्रेश लीव्स, इनको डायरिया, ब्लैडर के इरिटेशन में, एक्जिमा में और भी बहुत सारी बीमारियों में इनका एक्सटर्नल एप्लीकेशन देखा गया है। एक्विसीटम को हम इसकी डाययूरेटिक और हीमोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए पहचानते हैं। आपको पता है कि ये एसिडिटी रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। एक्विसीटम में सिलिकेट्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे फ्लेवोनॉइड के कंपाउंड्स हैं,
तो ये एक अच्छा कंपाउंड है जो आपके लिगामेंट्स या कोई भी कनेक्टिव टिश्यूज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो सकता है, और इसी वजह से इसे अर्थराइटिस के क्यूरेशन में भी यूज़ किया जाता है। एस्पीरियम के राइजोम की अगर हम बात करें तो उससे ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें 5% फिलमेरॉन और 5-8% फेलिसिक एसिड मौजूद है, जिसे वर्मी फ्यूज़ की तरह यूज़ करते हैं, यानी जब टेप वर्म का इन्फेक्शन होता है तो टेप वर्म के अगेंस्ट इसे यूज़ किया जाता है। एस्प्लीनियम की अगर हम बात करें तो कफ को क्योर करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, जबकि पॉलीपोडियम को माइल्ड लैक्सेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। ऑस्मिंडा रिगेलिस की अगर हम बात करें तो इसे जॉन्डिस के क्योर में यूज़ किया जाता है, और ऑफियोग्लॉसम जिसे ग्रीन ऑयल ऑफ चैरिटी कहते हैं, ये बहुत तरह के वाउंड्स को हील करने में हेल्पफुल है। मार्सीलिया ये एंटी सेडेटिव एंड एंटी कन्वल्सेंट है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के अलावा टेरिडोफाइट्स को उनके ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपको पता है ये ईजी ग्रोइंग प्लांट है और इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती, तो यूजुअली लोग इसे अपने घरों में उगाते हैं इन स्मॉल पॉट्स, और इसे मेंटेन करना बहुत आसान होता है, और चूंकि ये इतने ग्रीन होते हैं तो देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो ऑस्मुंडा, एक्विसीटम, एडिएंटम, लाइकोपोडियम, टेरिस लाइगोडियम, ये सब कॉमन चॉइस है प्लांट लवर्स की जो इसे अपने घर में लगाते हैं, और चूंकि ये इतने ग्रीन और बुशी हैं और इजीली मेंटेनेंस है तो इसे लैंडस्केप ब्यूटी में भी यूज़ किया जाता है। फ्लोरल इंडस्ट्री में इनका बहुत यूज़ किया जाता है, जैसे कि नेफ्रोलेपिस है, एस्प्लीनियम है, रोमोरा है, इन सब का बुके बनाने में यूज़ किया जाता है। इनकी लग्जूरियंट ग्रोथ से एक और फ़ायदा है, क्योंकि आपको पता है ये कहीं भी आसानी से उग सकते हैं, मोस्टली हिली प्लेसेस पे पाए जाते हैं, तो हिली प्लेसेस पे जब ये प्रेजेंट होते हैं तो ये सॉइल को बाइंड करते हैं और रेनफॉल से सॉइल का इरोजन है उसको मिनिमाइज करते हैं, तो एक तरह से ये लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़फुल है। नाइट्रोजन फिक्सेशन और बायो फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो एजोला पिनाटा हम जानते ही हैं कि ये एनाबिना एजोली के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है, और इस वजह से ये नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्पफुल होता है। आपको पता है कि पैडी की फील्ड्स में एजोला को एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइज़र्स पे हमारी डिपेंडेंसीज बहुत कम हो जाती है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। इंडस्ट्रियल यूजेस की अगर हम बात करें तो क्लब मॉसेस को ऑफनली यूज़ किया जाता है एज अ ड्राई इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट, और इसके स्पोर्स क्योंकि रिच होते हैं नॉन वोलेटाइल ऑयल से, यहाँ तक कि फोटोग्राफी इंडस्ट्री में भी इसके फाइन पाउडर्स को यूज़ किया जाता है। फॉरेंसिक इंडस्ट्री में भी इसे एज अ फिंगर प्रिंट पाउडर की तरह यूज़ किया जाता है। टेरिडियम की लीव्स को डाई बनाने में यूज़ किया जाता है, जबकि बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसी हैं जो इन टेरिडोफाइट्स के फाइबर्स पे डिपेंड करती हैं, यानी पेटियोस जो कि रिच इन फाइबर्स होता है उससे हैंडमेड बास्केट्स और बैग्स बनाए जाते हैं। एजोला को सोप इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, और चूंकि इसमें हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए इसे बायोफ्यूल इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। लाइकोपोडियम का पाउडर जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, इसको पायरोटेक्निक्स या आर्टिफिशियल लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका यूज़ बॉलीवुड सिनेमा में और स्टेज परफॉर्मेंसेस में यूज़ किया जाता है। मैजिशियंस अपनी डिफरेंट ट्रिक्स के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। टेरिडोफाइट्स को अच्छा इंडिकेटर प्लांट्स भी माना गया है। आपको पता है बहुत सारे हायर प्लांट्स हैं जिन्हें हम इंडिकेटर प्लांट्स कहते हैं, उसी तरह का इकोलॉजिकल इंडिकेशन हमें इन टेरिडोफाइट्स से भी मिलता है। जैसे आपको पता है इक्विसीटम को गोल्ड इंडिकेटर कहा जाता है, जैसे नॉर्मली सभी प्लांट्स मिनरल्स को एक्यूमुलेट करते हैं उसी तरह इक्विसीटम भी मिनरल्स एक्यूमुलेट करता है, लेकिन ये मेनली गोल्ड को एक्यूमुलेट करता है अपने स्टेम में। तो इसके स्टेम के एग्जामिनेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जगह गोल्ड ओर में रिच है या नहीं। इसी तरह एस्प्लीनियम को निकल के लिए इंडिकेटर, जबकि एक्टिनोप्टेरिस को कोबाल्ट इंडिकेटर कहा जाता है। ये तो थी बेनिफिशियल टेरिडोफाइट्स की बात। इसके अलावा कुछ टेरिडोफाइट्स हमारे लिए हार्मफुल भी हैं,
हार्मफुल टेरिडोफाइट्स वही उनकी प्रॉपर्टीज हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाती हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल थी। जैसे आपको अभी बताया हमने लग्जूरियन ग्रोथ, जैसा कि अभी हमने बात की लग्जूरियन ग्रोथ की, क्योंकि इनकी ग्रोथ इतनी फास्ट है और ये इजीली लैंड एरिया कवर कर लेते हैं, तो फॉरेस्ट में इनकी ग्रोथ को रोकना काफ़ी मुश्किल होता है और ये वहाँ पर एक एबनॉक्शियस वीड की तरह सामने आते हैं। और इतना ही नहीं, ये फॉरेस्ट की इकोलॉजी को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो सिर्फ फॉरेस्ट में यानी कि लैंड पर ही नहीं, वाटर में भी एक एबनॉक्शियस वीड साबित हो सकते हैं। जैसे साल्विनिया आपको पता है जो कि फास्ट ग्रोअर प्लांट है, तो ये भी वाटर कवर, तो ये वाटर पे इतनी जल्दी ग्रो करता है और वाटर पे एक कवर बना लेता है जिसकी वजह से सनलाइट अंदर पानी तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है और इससे लेक इकोलॉजी या पॉन्ड इकोलॉजी डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ तक कि इरिगेशन रिजर्वॉयर, वहाँ पर अगर इनकी ग्रोथ होती है तो फ्री फ्लो ऑफ वाटर को ये इनहिबिट कर। टेरिडियम की बात अगर हम करें तो इसमें कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, तो ये भी हार्मफुल है मैनकाइंड के लिए। लाइकोपोडियम पाउडर के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, तो इसे बहुत स्मॉल अमाउंट में यूज़ करना चाहिए और अगर इसका इस्तेमाल सही से नहीं हुआ तो ये डिजास्ट्रस हो सकता है क्योंकि ये हाई एक्सप्लोजन भी कर सकता है। दैट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट। तो नए वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।